साल 2016-17 के बीच ब्लू व्हेल नाम के एक गेम ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था, जब बच्चे गेम में दिए गए टास्क के हिसाब से अपनी असल जिंदगी में आत्महत्या तक कर लेते थे। हालांकि उस बीच भारत समेत कई देशों में इस गेम पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी और फिर समय के साथ ये मामला शांत हो गया। अब ऐसा ही एक गेम के चक्कर में पुणे के एक 10वीं के छात्र ने गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। पूरा मामला पुणे के चिंपपरी चिंचवड़ का है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि आर्य एक ऐसा लड़का था जो बात करने में झिझकता था और ऊंचाई से भी उसे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी उसने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने से आर्य का व्यवहार बदल गया था, वो आक्रामक हो गया था और बिना किसी कारण वो मुझे और अपने भाई को नुकसान पहुंचाता था। वो घंटों तक अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठा रहता था और मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा है। मुझे देर रात हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला कि एक लड़का गिर गया है। जब मैंने देखा तो पता चला मेरा बेटा आर्य ही गिरा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ समय से मौत के गाने सुनने लगा था। वो कहता था चिंता करने की कोई बात नहीं है, जीवन और मृत्यु सब एक जैसा है। त्याला त्या भीतीनं फ्यू मिनिट्स मध्येच त्याच्याकडनं ते करून घ्यायचं होतं, कारण तो नव्हता येत त्याच्या, कारण मी त्याला रोज सांगायचे। असं आजकाल सगळं ऑनलाईन असते, तर सगळं तो राहायचाच लॅपटॉपवर, तो लॅपटॉप राहायचा म्हणजे त्यांचा कंट्रोल पण त्याच्यावर। ते आणि सकाळी आला ना रूममध्ये 8 वाजता, पण तो 3-4 वाजेपर्यंत पाणी प्यायला पण बाहेर नाही यायचा। घटना पर पुलिस का भी बयान सामने आया आहे, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मॅडम काय घटना आहे, रावेत पोलीस स्टेशन मध्ये केवळ्याच्या इथे एक सोसायटी आहे, त्या सोसायटीमध्ये 14 मजल्यावर एका लहान मुलाने, 16 वर्षाच्या मुलाने उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना 3 दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेली आहे। तो मुलाने पहाटे रात्री 12:30 वाजता खिडकीत आपल्या ज्या गॅलरीमधनं खाली उडी मारलेली आहे आणि तो मयत झालेला आहे। प्राथमिक तपास त्याचा चालू आहे, तपासामध्ये त्याची सुसाईड नोट मिळालेली आहे, ज्याने ते लॉगआउट नोट असं म्हणलेलं आहे, आणि जो प्राथमिक तपास झालेला आहे त्याच्या नातेवाईकांकडे वगैरे चौकशी केली, त्यामध्ये हा मुलगा जास्त प्रमाणामध्ये ऑनलाईन गेम खेळत होता असे निदर्शनास आलेले आहे। ते अभ्यास करत असेला त्याचा लॅपटॉप आणि जो काही मोबाईल तो वापरत असेल ते आम्ही तपासासाठी सीज करत आहोत। त्यांच्या पॅरेंट्सकडनं आम्ही जास्तीत जास्त माहिती आणि सहकार्य घेत आहोत, जेणेकरून या मैताचं महत्वाचं मूळ कारण काय आहे हे शोधण्यास आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत। बता दें कि गेम की लत की बात उस वक्त सामने आई जब मृतक की नोटबुक की जांच की गई, जिसमें वो अपने घर के नक्शे और खिड़कियों की लिस्ट रखता था। कमरे की जांच करने पर एक लैपटॉप, सुसाइड नोट और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। कमरे से जो कागज बरामद किया गया उस पर पेंसिल से उसकी अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने वाला टास्क बना हुआ है। नक्शे में यह भी बताया गया था कि कहां से कूदना है, इसी पेपर में लॉगआउट शब्द भी लिखा था। यही नहीं, गेम से जुड़ी कुछ बातें भी कोडिंग भाषा में लिखी हुई थी और उसके कागज भी आर्य के कमरे से बरामद हुए हैं। जो कागज मिले हैं उसमें एक मल्टीप्लेयर कॉम्बैट गेम का जिक्र किया गया है। वहीं बच्चे के माता पिता ने ऐसे गेम्स पर कठोर रूप से पाबंदी लगाने की बात करी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।